What's your current cost of living? Rent 147. Health insurance is 126. Groceries ka sab milakar 65 to 70 euros. Agar kuch extra cost hota hai, 10 to 20 euros. Everything is cheap and for Indians. Alright guys, so I'm at the moment here in Bielefeld, here with my friend. What's her name? Hi, my name is Garima, Garima Mehra. And Garima is studying in what university? I'm studying in TH Owl, it's called T. Owl. And I'm studying information technology, that is informatics. Tell me your background from India. Yes, my background is I studied computer science, bachelor's in computer science from Guru Nanak Khalsa College, situated in Mumbai. Yeah, and BSc is of 3 years degree. अच्छा आपका 3 साल का degree था? हाँ, 3 ही साल का degree था. So यार ये तो बहुत बड़ा सवाल रहे बहुत सारे लोगों की यार मैंने तो BSc किया है, BCA किया है. मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ये सवाल नहीं आया था? बहुत ज्यादा बड़ा सवाल था और बहुत डिफिकल्टीज हुई, बिकॉज जो 3 इयर्स की डिग्री है वो 120 ECTS देती है और ये यूनिवर्सिटीज यहाँ की जो है वो क्राइटेरिया मेट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, एंड दे विल नॉट एंटरटेन यू एट ऑल. तो उसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज टू लाइक टॉप अप योर स्कोर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स एंड योर कोर्स मैटर्स अ लॉट, बिकॉज कोर्स कंटेंट क्या है एंड LOR आपके किस से है, किस बेसिस पे है एंड आपके पास क्या एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क्स है. बिकॉज जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क्स और प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है कि आपने अपनी फील्ड में क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना आप उसके बारे में नॉलेजेबल हैं और आपको कितनी नॉलेज है और आप यूनिवर्सिटी के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकते हैं. Right. So just to clear, आपका bachelor's था BSc in information computer science. हाँ जी. This was a 3-year degree. Correct. कौन से year में graduate हुए आप? मैं 2023 में. Work experience था? नहीं, work experience नहीं था, but मेरे projects थे जो बहुत ही ज़्यादा strong थे and जो मेरे CGPA थे वो 9.01 थे. So that's why मुझे यहाँ पे कोई इतनी problem नहीं हुई. But ये वाली university से मुझे इतनी ज़्यादा hopes नहीं थी, but luckily I got it. Into this university and course is very superb here. कितने एप्लीकेशन करा था? मैंने approximately 10 applications की थी. और कितने में से आ गया था? 3 universities में से आया था. और बाकी के और दो कौन सी थी? One is University of Stuttgart and second one is University of Frankfurt. Frankfurt University of Applied Science. Yeah. High integrity course में से आ गया. Correct, correct. सब common है वहाँ का. Right. Okay, so what's your advice for somebody with a 3-year degree, but उनके scores आपके ऐसे 9 point में नहीं होंगे? Correct. तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि वो अपना प्रोफाइल कैसे एनहांस कर सकते? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको फर्स्ट ही बोली है कि प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रोफाइल अपनी कैसे बिल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है. अगर आपके ECTS उतने नहीं हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करो, आप NGOs के साथ कनेक्ट करो, आप इंटर्नशिप्स कनेक्ट करो, इतना टाइम नहीं रहता है. बट अगर आप पहले से प्री प्लान कर रहे हो कि यस आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी एंड आई हैव 3 इयर्स डिग्री, तो आप अपने सेकेंड ईयर से ही ये सब करना स्टार्ट कर सकते हो. यूनिवर्सिटी इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करती है. और अगर आप LOR या अपने SOPs बना रहे हो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप खुद बनाइए, बिकॉज आप जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उससे बेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती. आप ट्राई करोगे सर्च करने का, बट यूनिवर्सिटी को आपका LOR अच्छी इंग्लिश में नहीं चाहिए फर्स्ट, बट उनको चाहिए कि आप क्या हो, वॉट यू स्टैंड, लाइक वेयर यू स्टैंड. ओके, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सिटी उस पर ज़्यादा फोकस करती है. और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट्स नहीं देखती. यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से देखती है. आपके जो गिथअप्स हैं या फिर आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, सब कुछ देखते हैं यूनिवर्सिटी. और आपने किन किन सेमिनार्स में लीडरशिप्स क्या है आपकी, फिर आप कौन से NGOs से कनेक्टेड हो, वो बहुत देखा जाता है. कैन यू क्विकली मेंशन कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और कौन से कोर्सेज में अप्लाई किया था? ओके, फ्रैंकफर्ट में हाई इंटीग्रेटेड सिस्टम, फाओ में कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में अप्लाई किया था. डसलडॉर्फ में भी अप्लाई किया था, बट वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करने थे जो मैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही थी. उसका भी कंप्यूटर साइंस कोर्स था. एंड बाकी जो कोर्सेज समर में मैंने अप्लाई किया था, तो समर में इतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे जो मेरे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या जो मेरे आप बोल सकते हो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड लग रहे थे, जिसमें मेरी स्कोप थी, मैंने उसमें अप्लाई किया. अभी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ से थी? एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी से थी.
हमने यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई किया था. ओके, सो लेट्स टेक दिस कन्वर्सेशन फॉरवर्ड. सो आई वांट टू गो बैक टू दैट 3 ईयर का डिग्री वाला टॉपिक, राइट? बिकॉज़ दिस इज अ वेरी कंसर्निंग टॉपिक फॉर लॉट ऑफ पीपल. जिसकी अगर 4 साल की डिग्री और सीएस कर रहा है या इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कर रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा है, तो उसको तो डायरेक्ट मिल जा रहा है एडमिशन जर्मनी में, राइट? आपने बताया कि फॉर those 3-year degree वाले लोग, they should work on their SOP, LOR, extracurricular activities, projects और ये सब, right? Correct. Okay. मेरे को ये बताओ कि in terms of jobs, ठीक है, ये जो अभी कोर्स कर रहे हो, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो? Like, what's your future plan? Okay. इसके बाद मैं मेनली डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर फोकस करूंगी, बिकॉज मेरा स्कोप, मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो उसमें ही है. एंड मैंने अभी भी अप्लाई किया है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यहाँ, एंड मुझे एक दो इंटरव्यूज के लिए बोला है. तो आई एम जस्ट waiting for that interviews to be happen. जो मेरा जो interest है वो data, you can say analytics, data visualization, and जो languages है like C++, Python, Java, जो मेरी specialization है उसमें मैं अभी focus कर रही हूँ. अभी currently आपके top 3 skills क्या है? Technical skills. Okay, top 3 skills है मेरे data analytics है, and data visualization है जिसपे मैंने projects भी बनाए हैं, machine learning है जिसपे मैंने project बनाए हैं. अच्छा. Looking at the surroundings and जो माहौल चल रहा है job का, do you think environment सही है अभी, मतलब स्पेशली CS graduates के लिए जर्मनी में? What do you think? What is the current scenario? अभी तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी सही नहीं है, because अभी jobs की बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत है. Students को job नहीं मिल रही है, and recession मेरे को तो ऐसा लग रहा है चल रही है, because मैंने जितने भी अभी रिसर्च की है जॉब से रिलेटेड, या जितनों को भी मेरे लाइक कनेक्शन हैं, अभी तक जॉब्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है. एंड इन माई एरिया लाइक जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. You, if you want a computer science student, if you are a computer science student, informatics students है, and आपको अगर student job भी चाहिए, no matter वो English, आपकी computer से related है या फिर कोई भी related है, but German is must here. Without German, you can't get a job here. But अगर आपको A2 या A1 तक भी आती है, and you have a clear certificate of that, there are chances. How much are you spending to get this degree? I am spending 324 per semester. Last question. What's your current cost of living? I pay for rent 147 euros, health insurance is 126, groceries ka sab milakar I spend 65 to 70 euros per month. Okay. And that's it. Aur agar kuch extra cost hota hai, that is included, you can say 10 to 20 euros. Here everything is cheap, and for Indians there are so many facilities and variety of grocery, which is the plus point of here. Okay, all right guys, so this is all from this video. Check the description of this video. I will put some information, especially I will put a यूनिवर्सिटी का लिस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिसका 3 साल का डिग्री है, ठीक है? एंड देन सी गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.